मैं उषा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल में। आज मैं बताऊँगी आपको अलसी के बारे में और इनके फ़ायदे, जिसे जानकर आप हो जाएंगे हैरान। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, और जो मेरे चैनल को पहले से देख रहे हैं तो उनसे कहना चाहूँगी कि वीडियो पूरा देखने के बाद लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और जो नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब हम बात करेंगे अलसी के बारे में। अलसी को अन्य नामों से भी जानते हैं, इसे तीसी, चिकना और अंग्रेजी में फ्लैक्स सीड्स भी कहते हैं, और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अलसी में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होने के कारण ये हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, और ये हमारे शरीर को होने वाले बीमारियों से भी बचाता है। साथ में ये इसमें आयरन, प्रोटीन और विटामिन B6 से भरपूर होता है, और जो शाकाहारी है तो उन्हें अलसी का सेवन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें आमतौर पर मछली में पाया जाने वाला ओमेगा 3 पाया जाता है, जो दिल के मरीजों के लिए ये काफ़ी फायदेमंद होता है। मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर मरीजों के लिए भी अलसी का सेवन करना बहुत ही अच्छा होता है, और जो खाली पेट अलसी का सेवन करते हैं तो उनके पेट साफ और पाचन क्रिया मजबूत होती है, और वजन भी कम होता है। तो अलसी का सेवन एक दिन में 20 ग्राम से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। आप इसे गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं, और आप इसे दही, मट्ठे, रोटी, पराठा या सब्जी के साथ भी इसे ले सकते हैं। तो अलसी का सेवन ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए, इससे पेट भी खराब हो सकती है और आपको एलर्जी जैसी समस्या भी हो सकती है, शरीर में जलन, खुजली, रैशेज। और अलसी का तेल रसोई में अन्य किसी तेल की जगह खाना बनाने में भी आप कर सकते हैं। अलसी का तेल में विटामिन्स और मिनरल्स काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो आपके बालों को पोषण देता है और त्वचा के लिए भी अच्छा होता है। इसके नियमित इस्तेमाल से त्वचा का रूखापन दूर होता है और त्वचा में चमक आती है। तो अलसी हमारे शरीर और त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और अलसी हमारे शरीर के लिए नुकसान भी होता है, अति हर चीज़ की बुरी भी होती है, फिर वो चाहे कितनी भी अच्छी और फायदेमंद क्यों ना हो। तो अलसी में फाइबर की मात्रा अधिक होने के कारण इनके सेवन से समस्या हो सकती है, गैस बनना और उल्टी होना, भूख ना लगना, तो इनके कई नुकसान साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो अलसी का सेवन गर्भवती महिलाओं को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अलसी का तासीर गर्म होती है और हानि पहुंचा सकती है। अलसी लो ब्लड प्रेशर वालों को भी नहीं करनी चाहिए, उनका ब्लड प्रेशर और कम हो सकती है और उनसे नुकसान हो सकती है। तो हाई ब्लड प्रेशर वालों को अलसी ज़रूर खाना चाहिए, और जिनको डायबिटीज है उनके लिए भी अच्छा होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद बाद उन्हें अपना ब्लड शुगर लेवल जांच कराते रहना चाहिए, क्योंकि यह ब्लड शुगर लेवल बहुत कम कर देता है। तो अलसी का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श कर लें, वो आपके स्वास्थ्य और शरीर के अनुकूल आपको राय देंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से अलसी के फायदे और नुकसान के बारे में मैं बताई हूँ, तो अलसी के हेल्थ बेनिफिट्स का आप ज़रूर लाभ उठाएं। तो आज की इस वीडियो कैसी लगी तो हमारे साथ अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।